रमजान मुबारक चल रहा रमजान मुबारक के मुताबिक लोगों करिए शॉपिंग करने आए उन्होंने कैसा फील हो रहा है आज फिर मेरे प्रोग्राम शुरू कर कहाँ से आई हैं आप? सामान में सामान से आई हैं। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? शॉपिंग की और आप दसवें रोजे में शॉपिंग करने आए हैं? बस पहले करके खत्म पहले रोजे खत्म हो गए आपने कहा दसवें रोजे में हम शॉपिंग वगैरह करने चले जाएं करके और खत्म करें तो आप ईद के नजदीक क्यों नहीं आए? ईद के नजदीक बस रश ज्यादा हो जाता है। अच्छा बेटर कि पहले आ जाए बंदा तो आपने कहा कि जल्दी जल्दी आ जाए तो आपने शॉपिंग कुछ की भी कि नहीं? हाँ की है। क्या शॉपिंग की? काफी की है बल्कि हम तो कब से आए हुए हैं बस। अच्छा। हाँ मामा वगैरह के पास है सारे मामा वगैरह तो सारे शॉपिंग कर ली थी अभी गए हुए हैं वो हमारी अभी। कौन कौन लोग तो सारे नाल आए हैं? मेरी मदर है और इनकी मदर है हम। अच्छा कजिन, कौन है तो सने? कजिन की बेटी है तो इन्होंने आपको कपड़े लेके दिए? अभी तो हमने नहीं लिए अभी हमारी रहती है शॉपिंग। अच्छा जितने से कितनी है कितने टाइम तो निकले हुए शॉपिंग करने से? हम बहुत हमें टाइम हो गया हम तो सुबह से ऑलमोस्ट शॉपिंग से निकले रोजे में 12 बजे आए रोजे से और एग्जॉस्ट हो गए बस घूम घूम के और हम पागल रोजे से तो शॉपिंग करने से आए हो तो सने रोजा लग नहीं गया मतलब के रोजे के बाद तो नहीं होता क्योंकि तरावियां वगैरह होती हैं तो वो इट्स नॉट एसेंशियल। आप पहले हिम्मत हिम्मत अभी आप देख रहे हैं ना अभी सुबह से हम आए हैं हम घूम रहे हैं आस्ता-आस्ता थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत आ ही जाएगी। आ गई है। अच्छा तो सवाल एक चीज एक सवाल पूछा एक चीज ऐसी है जो फूल भी है तो फल भी है जो फ्लावर भी है और फ्रूट भी है एक चीज ऐसी है जो फूल भी है फल भी है कुछ तो हिंट दे खाने वाली एक ही चीज है और फूल उसका नाम फूलों में भी आना है उसका नाम फलों में भी आना है उर्दू में हाँ उर्दू में फूल में भी उसका नाम आता है और फल में भी उसका नाम आता है कौन सी चीज है एक मीठी चीज हो सकती है फल तो मीठे ही होंगे कोई तो ऐसी पता नहीं नहीं रोजा लग रहा है दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा रोजे में शॉपिंग तो होगी ना हो गई बस उन जवाब वास्ते भी दिमाग पे जोर पाओ सेब केला चलो फ्रूट के नाम बताओ सारे एक ऐसी चीज है जिसमें नाम फूल तो भी आना फल तो सेब केला अनानास और कौन से होते हैं कोई तरबूज शरबूज अनार नहीं अच्छा कोई पोइम सुनाना चाहेंगी पोइम सुना दो एनी कुछ भी सुना दो ठीक है आई डोंट नो ऑनेस्टली हां नो आई डोंट नो जान लाइक एनी पोइम लाइक इवन इफ इट्स फ्रॉम शेक्सपियर और एनीथिंग कोई भी अ पोइम वुड बी देयर आर टू यू कैन विन लाइफ बाय all means but you have to avoid two things which are expectations and thank you kahan se aayenge ye america se aayenge वैसे हम इधर ही रहते हैं अच्छा इधर रहते हैं आप भी अच्छा आपको उर्दू नहीं आती आती है ठीक हो जी मैं ठीक हूँ
अच्छा लेकिन यहाँ पे आजकल इस्लामाबाद में ही है। इधर क्या करने से आए हो? इधर तो मतलब शॉपिंग करने आए थे ईद के हवाले से। और जी हाँ बिल्कुल। कौन है तुम्हारे नाम? ये मेरी बेगम है। अच्छा बेगम के साथ शॉपिंग भी आया। तो बच्चे किधर हैं तुम्हारे? बच्चों को तो घर पे ही छोड़ाते हैं जब शॉपिंग करने आते हैं। बच्चों का रोजा था वो अभी सो रहे थे। बच्चे जिद नहीं की थी कि नहीं ऐसे भी ना जाना, आप अकेले शॉपिंग में जा रहे हैं? वो करते हैं लेकिन ज्यादातर इस तारीख के बाद करते हैं क्योंकि कुछ खाने पीने के लिए भी मिल जाता है। अच्छा ते वो ना लाने वो अकेले जाते हैं आप लोग अकेले? साथ ही आते हैं लेकिन वो उनके लिए फिर वीकेंड संडे के दिन हमने उनका रखा हुआ है कि कल इंशाल्लाह। अच्छा तो सिंध ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तो इस्लामाबाद अच्छा लग रहा है? सॉरी सिंध अच्छा लग रहा है ज्यादा कि इस्लामाबाद? पाकिस्तान हमारा तो सारा ही पूरा सारा ही प्यारा लेकिन फिर भी ऐली जगह अच्छी लग रही है कि ओली जगह? जी अगर मौसम के हिसाब से देखें तो इस्लामाबाद डेफिनेटली इज अ गुड प्लेस। इस्लामाबाद लेकिन ये कि सिंध क्योंकि फिर अपनी धरती है तो फिर उससे अपना ही मजा है। फिर सिंध से सिंध इस्लामाबाद से इस्लामाबाद है। अच्छा क्या की शॉपिंग की थी तुसे? जी शॉपिंग जो ना असि दो सूट अभी फिलहाल लिए हैं। अच्छा वो हल्की फुल्की थी थोड़ी पंजाबी टूटी फूटी सी बोल रहे थे नाल मैं भी टूटी फूटी थी तोड़े समझ आ जाए। समझ आ रही है तुसा जिस तरह जिसका दिल करना तुसा उस तरह बोलो कोई एतराज नहीं। तो शॉपिंग तुसा कीती तुसानू कितना टाइम लगे शॉपिंग करने वास्ते? मतलब गोभी चलो वो हो गया। हाँ। वो तो फ्रूट सब्जी होगी ना। हाँ। फूल भी है फल भी है मतलब यू मीन के फूल है फ्लावर है एक चीज ऐसी है जिसका नाम फूलों में भी आता है जिसका नाम फलों में भी आता है। हाँ, फूल में भी आता है और फलों में भी आता है वो एक ही चीज है उसके दो नाम हो सकते हैं वो फूल भी है और फल भी अलदा अलदा करके उनका नाम आप कितना हिंट बने दे दिया अलदा अलदा करके इस चीज का नाम लोगे तो एक चीज फूल बन जाएगी और इसकी फल बन जाएगी है फूल और फल नहीं एक चीज है। अच्छा उसका उसके समझो दो नाम है ठीक है। हाँ। उसको हम अलग अलग नाम लेंगे ना एक पहला वाला नाम समझो कि फूल बन गया दूसरा वाला फल बन गया। अच्छा वैसे तो गुलाब जामुन तो कहते हैं। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस सही सही जवाब दिया वैसे तो गुलाब जामुन क्या कैसे आपको जवाब आया? हाँ, वैसे तो कह सकते हैं आप पता नहीं आपके लिए सूटेबल है नहीं गुलाब जामुन ही है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा किसी को पैगाम देना चाहते हैं आप? जी पैगाम देना यही चाहते हैं कि माशाल्लाह रमजान का महीना है और खुशियों का महीना है इबादत का महीना है हमारे पाकिस्तान की आज़ादी इसी महीने में ही हुई तो बस ये कि इस महीने को हम दीन के हिसाब से भी बड़ी गनीमत समझें और अपने इस मुल्क के हिसाब से भी बड़ी गनीमत समझें जैसे हमें अपने दीन से मोहब्बत है उसी तरह से हमें अपने पाकिस्तान से मोहब्बत है। अल्लाह ने इसी महीने में दोनों चीज़ें हमें अता की हैं तो हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और इस नेमत के लिए शुक्र अदा करने से ये चीज़ और भी बढ़ेगी खुलेगी भी और फलेगी भी। बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच बहुत इना कोल मैं सवाल पूछिया से एक चीज़ ऐसी है जड़ी फूल भी है तो फल भी है तो इन्हें फौरन जवाब दे दिता कि क्या जा सकता है। चलो अगे चलने तो अगले को सवाल पूछने के ओ के कहने इस बारे ठीक है लाला शुक्र तो सर ठीक हो बिल्कुल ठीक ठाक जी किधर रहने वाले हो? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में रहने वाले हो इधर क्या करने से आए हो? शॉपिंग करने आए हैं जी क्योंकि ईद आ रही है रोजा रख के निकल जाने और कुछ लोग बहुत आदत नहीं होनी बाहर निकलने बस
नमाज पढ़ी लेटे दिन गुजार देता अच्छा रहता नहीं जी बाहर निकला है ना माशाल्लाह मौसम बड़ा चंगा है रोजे ने पता भी नहीं लगना बिल्कुल सही तो तुसा किसने ना शॉपिंग करने से आए हो फैमिली ना आए जी फैमिली ने ले आओ ना खरीद लेती चीजें वगैरह जी खरीद लेती जेब से पता चाहते हैं जेब आती हो तुसने ज्यादा खर्चा होना कराया है कि काट वो खर्चा कराया जी कितना कुछ खर्चा कराया तुसने ना 6-7 हजार ला देते दो जोड़े लेते काम पूरा हो गया फिर तुसा तुसा इतराज नहीं किया कि मेरा इतना खर्चा करा देता घर ही रहना अच्छा तेरा ना ले। क्यों अगर खर्चा ना तो समझो कि कहो कि नहीं मैं शॉपिंग नहीं कराना फिर क्यों सी फिर बाहर बाहर है ना पैसे वास्ते ओ नहीं सारा इल्जाम मतलब अच्छा उन्होंने अच्छी शॉपिंग करा ली थी बच्चा ने भी शॉपिंग कर ली थी आज दसवां रमजान है दसवें रमजान के मुताबिक तुसा के कहने चाहनी हो दसवें रमजान तक शॉपिंग करनी चाहिए या शुरू नहीं या एंड नहीं दिना थे मेरा ख्याल से चंगा है कि लोगों को स्टार्ट कर लेना चाहिए ठीक है जी क्योंकि बेहतर है बाद में बड़ा रश पे जैसे बाद में रश पे जैसे बेहतर है रहने बंदा आज दसवें रोजा माशाल्लाह खत्म हो गया सही बेस्ट ऑप्शन है आगे शुरू कर लीजिए बाद में भी आना ही है सारे मर्दार साहब ठीक है आगे थैले ही फेंकने पकड़ने बेहतर है खुद ही आ जाइए खुद ही आ जाओ पहले शॉपिंग कर लो अच्छा तो साहब एक सवाल पूछा पूछिए जी पूछिए और केड़ी वाली चीज है जड़ी फूल भी है तो फल भी है फूल भी है तो फल भी है एक चीज ऐसी है फूल भी है ते फल भी है गुलाब भी खा सकते हैं खाना चाहिए पत्ते उसे खा लिए नहीं एक चीज ऐसी है जिड़ी फूल भी है ते फल भी है एक ही चीज है दो तीन ऑप्शन तो दियो उसका नाम समझो कि वो दो वर्ड है ठीक है अच्छा। ते वो पहला वाला वर्ड मतलब के फूल उसी ते दूसरा वाला फल इस तरह फूल फल वैसे तो सही गो, गो, गोभी का फूल नहीं नहीं एक चीज है वैसे तो सही हिंट वैसे मुझे लगा कि तुसा जवाब सही दे देता लेकिन अगर तुसा जवाब सही नहीं देता वो किस तरह वो पहले तुसा एक नाम सही लेता लेकिन आगे तुसा भूल गए हो गोभी का इससे वैसे मैंने नहीं नहीं, नहीं तू पहले मैं हिंट दे रही हूं सानू एक एक वर्ड है एक वर्ड है मतलब दो लफ्ज है उन्होंने इकट्ठा करो गुलाब गोभी का फूल गुलाब हो गया मैं उन पर क्यों हो गया सीरियसली कुछ तो सोचो कुछ तो सोचो फूल भी है तो फल भी है फल भी है देख ले गुलाब जामुन ओह माय गॉड गुलाब जामुन अच्छा किसी ने पैगाम देना चाहते हो वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब माशाल्लाह हम सारे मुसलमान बहन भाई हैं रमजान का महीना है जी बड़ा प्यारा महीना है सब उसकी बरकतें लें सब अपने अल्लाह पाक को खुश करें जी अल्लाह पाक हम सबको अपने सम्मान पर रखे और हमारे मुल्क को खास कर पाकिस्तान सही तो साहब ने बेगम ने इतना इतराज किया उन्होंने कोई बेगम देना चाहते हो मैं कहना चाहती मैं कुछ नहीं किया गुलाब जामुन मतलब के थोड़ा थोड़ा ना लोगों ने जवाब आ जाना वे और इन्हें तक पहले गल्लां कीतियां अपनी बेगम ने बाद कहने मैं तो कुछ नहीं किया चलो ठीक है अगले चलने अगे चलने और अगे तकने अगे सानू कौन मिलने ते साडा जवाब दे सकने कि नहीं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल है तुसा ना ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र किधर ने रहने आले हो रावलपिंडी तो रहने आले हो इधर के करने वास्ते आए हो शॉपिंग करने वास्ते आए हो कल्ले ही हो शॉपिंग करने वास्ते नहीं फैमिली भी है बाकी फैमिली भी शॉपिंग करने वास्ते आई हुई फैमिली तो कौन कौन आया शॉपिंग करने पैसे वगैरह कर लो बच्चे तो सानू शॉपिंग कर ली थी ना नहीं अभी इनकी करवानी है अच्छा इन्हें नहीं करवानी है तो सानू क्या लगना है कि दसवां रमजान है दसवें रमजान के मुताबिक शॉपिंग लोगों को करना शुरू कर देनी चाहिए कि नहीं बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि बाद इच के मतलब के आखिरी दिन है करनी चाहिए नहीं शुरू में दिन है लास्ट में ये होता है कि आपको अपनी मर्जी की चीजें नहीं मिलती हैं अच्छा मतलब जल्दबाजी होनी रश वगैरह होना हां जी कुछ लोग एंड ते ईद ने एंड ने दिन है क्यों
लेकिन महंगाई शंगाई आवे लेकिन आपको पता महंगाई तो बहुत ज्यादा है महंगाई वगैरह बताए तो कोई गल नहीं मगर बच्चों ने कपड़े तो लाने वाले इतने बच्चों ने कपड़े ले लिए हैं को क्या मामा ने लेके दिया आपको मैं पैंट शर्ट्स मुझे लेके दी पैंट शर्ट लिया आपने और क्या लिया और पैंट शर्ट्स लिया और कुर्ता इन्होंने क्या लिया पैंट शर्ट शूज शूज वगैरह ले लिए अच्छे कपड़े लगे अपनी मर्जी से जिद करके कपड़े लिए कि मामा को कहा कि मामा ये वाले लेने हैं ये वाले लेने हैं मामा ने ले लिए ये तो नहीं कहा कि नहीं नहीं ये वाले नहीं ला उधर आगे हम जाके देखते हैं थोड़ा और देखते हैं नहीं कहा अच्छा एक अच्छा एक तुसा को एक सवाल पूछा जी जी बिल्कुल ओ केड़ी वाली चीज है जड़ी फूल भी है ते फल भी है गुलाब जामुन इन्हें तो सबसे ज्यादा जवाब सुन लेता थी नहीं नहीं पता था मेरे बेटे को पता था अच्छा आपके बेटे को पता था बेटे ने किस तरह पता सी जवाब वो मैंने सोचा फूल हो गया गुलाब और फल हो गए जामुन वाह इंटेलिजेंट बच्चे अच्छा चलो कोई पोइम सुनानी है आपने ये माइक पकड़ लो बेशक माइक पकड़ लो नाच सुनानी है पोइम सुनानी है कुछ भी सुनाना सुना दो चलो सुनाओ ला मन हु अल्लाहुल लजीम ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अल मालिकुल सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुत्तकब्बिरुल खालिकुल बासिरुल मुसव्विरुल अल कहारुल फताकुल रज़ाकुल अलीम थैंक यू इतना माशाल्लाह आपको नाम आते हैं बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच इन्होंने ना सानू गल करके बड़ा अच्छा लगा और बच्चे को देखो मैंने उससे पूछा कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं कुछ सुनाना चाहते हो तो बच्चे को क्या नेम ऑफ अल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा कि बच्चियाँ आजकल माँ बाप देखो सारा कुछ सिखा रहे हैं बच्चा इतना छोटा जो बच्चा उसने नेम ऑफ अल्लाह भी आना अगे चलने तो अपने शो ना आगाज करने दोबारा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या हाल है तुसाना अल्हम्दुलिल्लाह किधर रहने वाले हो इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में रहने वाले हो इधर क्या करने से आए हो शॉपिंग करने आए हैं मैं ईद की शॉपिंग करने शॉपिंग करने से कौन है तुसाने नाल अम्मी ने नाल आए किसी और ने नाल नहीं आए कोई और है ही नहीं अच्छा कोई और जी आई नहीं अम्मी ने नाल शॉपिंग करने तुसाने चलत ना में मतलब कुछ लोग ने दोस्तों नाल आने ने आगे पीछे और लोगों नाल भी आने तो अम्मी ने नाल आए माशाल्लाह इतना अच्छा लग रहा है अम्मी से देखे अम्मी से कितना प्यार करते हैं ये माशाल्लाह आपको कैसा लगता है आपके बेटे आपको शॉपिंग पे लेके आते हैं बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगता है बेटे कहते हैं कि हां चलो अम्मी जी शॉपिंग पे चल गए तैयार हो जाती हैं आप बिल्कुल देखिए इन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं अम्मी आएंगी चैनल में अच्छा आप पढ़ते हैं नहीं मैं जॉब करता हूं जॉब करते हैं अच्छा तो तुसा किसी और में शॉपिंग तो नहीं आए थे बड़ी हैरानगी वाली गल यही मेरी बेटर हॉप अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त बड़ा अच्छा लग गया अच्छा तुसा क्या कुछ खरीदिया बस अबू के लिए कपड़े लिए बस अबू के लिए कपड़े लिए ईद के कपड़े अपने नहीं कपड़े लेते नहीं मैंने ले लिए आपने ले लिए तो अम्मी ने भी ले लिए अम्मी ने ले लिए तो आज अबू की शॉपिंग करने के लिए जी बेटे आपके माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं अभी देखिए बातें इतनी अच्छी लग रही हैं इनकी अभी अबू के लिए कपड़े लेने आए हैं पहले आपको लेके दिए अच्छा लगता है आपको बेटा इतना मतलब कि माँ बाप ने सारी खुशी आई होनी है अगर बच्चे फरमाबरदार निकल आवन आपके बेटे तो माशाल्लाह अच्छा लगता है फिर आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है और सैलरी क्या करते हैं बच्चे आपके तंग करते हैं आपको कि नहीं करते सैलरी में आपको तंग करते हैं कि नहीं करते क्या कहते हैं हमें ये भी चीज खिलाएं ये भी चीज खिलाएं नहीं 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 तंग करते जो बना के देते हैं खा लेते ये खाने में कुछ इस तरह तो नहीं कहते नहीं अम्मी ये नहीं अच्छा बनाया आज हमने मैंने बाजार से खाना है इस तरह कहते हैं उनकी पसंद के बनाते हैं उनकी पसंद के बनाते हैं अच्छा एक सवाल तो साकर पूछा जी जी एक चीज ऐसी है जो फूल भी है और फल भी है फूल भी है और फल भी है हाँ जी एक चीज ऐसी है जो फूल भी है और फल भी है
कस्टर्ड एप्पल नहीं समझे कि वो दो वर्ड है ठीक है उर्दू में उनका उसका नाम है सही है और वो दो वर्ड मिला के एक चीज बनती है और वो फूल भी है वो फल भी है उसका पहला वर्ड जो है वो समझे कि फूल हो और दूसरा वर्ड उसका फल हो अच्छा ऐसा सोचे क्या हो सकती है फूल एक चीज फूल भी है फल भी है मतलब एक चीज है उसके दो वर्ड है वो पहला वर्ड फूल हो सकता है दूसरा वर्ड फल ओके शायद मीठे में चीज हो अभी इतना हिंट मैंने दे दिया मीठे में हलवा फिरनी में शायद मिठाई शिठाई हो गुलाब जामुन ठीक अच्छा कोई पैगाम देना चाहते हैं आप किसी को बस खुश रहें सब अपने अब्बू को क्या पैगाम देना चाहते हैं बस एक्सरसाइज किया करें एक्सरसाइज क्यों क्यों मोटे हैं मतलब कि हेल्दी हैं नहीं बस वो ताकि उनको हेल्दी रहे ना अच्छा हेल्दी रहे बहुत अच्छा लगा अच्छा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और किसी को पैगाम देना चाहते हैं बस खुश रहें सारे खुश रहें सारे थैंक यू बहुत अच्छा लगा क्या नाम है आपका उस्मान उस्मान बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू तो सैडन नर्सन उस्मान भाई इनके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा अपनी अम्मी के साथ आए और कहते हैं यही मेरी बेटर हाफ है तो कोई ना एक तरफ ना एक पैगाम दिता सारियां नु कि अम्मी नाल भी आया करो फिरिया टूरिया करो मेनू तो जो लोग अम्मी नाल आने ना तो माँ बाप ने सोचने मनते वो लोग बड़े अच्छे लगने आओ चलने अगे गल करने किसी और नाल तो तकने और लोग किस ना लोगों नाल आए अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है तुसाने ठीक हो आई माइक ला लो तुसाने क्या हाल है तुसाने ठीक हो बिल्कुल ठीक जी किधर रहने वाले हो हम लोग ऊपर कपड़े देखने के लिए रहने वाले किधर के हैं आप लोग इस्लामाबाद इस्लामाबाद के रहने वाले हैं अच्छा इधर शॉपिंग करने के लिए आए हैं जी हां बच्चों के साथ आए हैं हां जी किसने नाल मतलब के बच्चियां जिद की थी के सानू इतने कपड़े लाके दो हां जी जाहिर है ईद का मौका है तो बच्चे तो जिद करेंगे जी बिल्कुल बच्चे ज्यादा जिद करते हैं कि थोड़ी जिद करते हैं बस करते हैं जब देखते हैं कजनों ने कपड़े ले लिए बिल्कुल हाँ जी वो तो ईद वाले दिन मुकाबला तो होता है कजन आपस में जी बिल्कुल ईद वाले दिन ये क्या बात है कि बच्चों का कजनों का मतलब मुकाबला क्यों होता है बस जाहिर है सब लोग ईद की तैयारी में बहुत दिन से मसरूफ होते हैं फिर उसके बाद जब वो ईद पर कपड़े बनाते हैं तो एक कॉम्पिटिशन होता है कि किसने ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं किसने अच्छी मेहंदी लगाई है बस यही है फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी ऐसा पहले अपने कपड़े ला लेंगे हाँ जी तो सके कहने की ईद ने शुरू नहीं देना था शॉपिंग करनी चाहिए ये बाद मैं तो शुरू में ही करती हूँ शुरू तो क्यों करनी हो बाद में बहुत रश हो जाता है अक्सर भी तो ना बाद सेल शायद लग जानी नहीं नहीं सेल तो कभी ईद के मौके पे नहीं लगती उस वक्त तो प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है मैं शुरू में करती हूं चांद रात वाले दिन जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने से उस वक्त बहुत ज्यादा रश होता है मैं तो अभी आजकल मैं जस्ट कर लूंगी रमजान तो मतलब के रोजा रखते बाजार निकलना आसान है शुरू के रोज़ों में ज़रा सुकून होता है बाद में रोज़े रख के और इबादत के भी दिन आते हैं तो ज़रा ज़्यादा थकान होती है तो बेहतर है कि हम शुरू में कर लें तो रोज़ा रख के जैसे कि आज मैं रोज़ा रखा उनमें बाजार निकला हुआ तो सामने रोज़ा रखे जब मुश्किल है हाँ थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन हो जाए टाइम गुजर जाना है हाँ ये भी है इस तरह भी आवे कि टाइम भी गुजर जाना है आज तक ऐसा कुछ भी नहीं खरीदा अभी तो जाने लगी हूँ इतनी मतलब कि देर से आज दसवां रोजा हो गया हाँ। दसवें रोजे तो नहीं तो चार पाँच बजे टाइम मतलब कि शॉपिंग करने बस से थोड़ा सा एक चक्कर लगा के वापस जाते हैं वाह इतनी जल्दी तुझे शॉपिंग खरीदने हाँ। कुड़ियां भी इतनी हो गई कि दो दो घंटे चार चार घंटे शॉपिंग ऐसे लग गए नहीं मैं कर लेती हूँ तो सर जल्दी कर लेने मतलब कि चीज सेलेक्ट की थी फटाफट पसंद आई तो ले लेती सोचा हुआ होता है क्या लेना अच्छा एक मैं तो शायद सवाल पूछा जी और कड़ी वाली चीज है जो फूल भी है और फल भी है टमाटर नहीं एक चीज ऐसी है हाँ। जो दो चीजें हैं जैसे कि मतलब कि एक दो एक दो वर्ड है ठीक है हाँ। वो फूल भी है और फल भी है जल्दी तो नहीं याद आ रहा कुछ शायद मिठाई शिठाई हो तो लसान दे दिता लसाने में इंट दे दिता नहीं मुझे नहीं याद आ रहा कुछ एक नाम है और फूल भी है और फल भी है वो शायद मिठाई भी हो सकती है उसका नाम मिठाई है ना नाम सोचो ना मिठाइयाँ तो मैं खाती नहीं पता नहीं आता मुझे नहीं पता अच्छा कोई पैगाम किसी को देना चाहते हो बस यही कि अल्लाह करे कि इस ईद हमारी खैर खैरियत से गुजर जाए मुल्क अमन अमान कायम रहे और आने वाले दिन हम सब मुसलमानों के लिए पाकिस्तानियों के लिए अच्छे हों आमीन बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू तो इन्होंने जवाब नहीं आया क्योंकि कहने मैं तो मिठाई खानी नहीं तो सू तो जवाब आना वे तो सू दसो कि जवाब है आओ फिर चलने अगे किसी और भी गल करने जो सू जवाब दे सके इतने आसान मैं हिंट भी दे दें
फिर भी तुसने जवाब नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है तुसने? ठीक हो? ठीक ठाक। कुदन रहना लो? ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਧਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ? ਸਿਰਫ 2-4 ਜੋੜੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇ 2-4 ਜੋੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ 10-10 ਘੰਟੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਣੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। कितने कुछ फास्ट हो? कितने तुसा तकरीबन कितने कुछ सूट लेते? 2-4 सारे ले। 2-4 सारे। कितने लोग आए शॉपिंग वास्ते? पूरा टब्बर ही आया है। पूरा टब्बर ही आया है। टब्बर कितना कुछ है तुसाना? असना माशाल्लाह पूरी फैमिली 4 बच्चे। अच्छा पूरी फैमिली। तुसा इधर देखो, पूरी फैमिली के 4 बच्चे? 4। माशाल्लाह। तो टब्बर तो नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती देवे। थोड़े बच्चे खुशहाल करना। थोड़े बच्चे खुशहाल कराना। बच्चियां ने सारे ने कपड़े खरीद लेते? नहीं बच्चियां ने नहीं खरीदे, अपने ही खरीदे। अच्छा तुसा पिंडी दे? तुसा तले नहीं बच्चियां दे। अच्छा तुसा पिंडी ने रहन आले हो ते तुसा लेकिन इधर इस्लामाबाद की शॉपिंग करने से आए हो? इधर जरा आया है कि कपड़े चीज वैरायटी वाली मिल जाएगी और फिरना टुरना भी हो जाना वे। एक चीज ऐसी है जो फूल भी है फल भी है। नहीं दादा। अच्छा कोई पैगाम किसी ने देना चाहते हो? किसी ने कोई पैगाम देना चाहते हो? बस सारे ने ही पैगाम देना चाहते हैं कि खुद भी जियो तो दूसरे ने भी जीन दो। क्यों तो सानू कोई लोग जीन नहीं देने? लोग किसी हाल ही खुश नहीं। क्यों नहीं किसी हाल तो खुश? तो सानू ने कहो ना कि खुश रहन। तो सानू खुश रहो तो सानू दूसरे ने कोई कहने मतलब है। तो सानू खुश रहो। ठीक है चलेगा। इस गल करके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू। इन्होंने साडा जवाब नहीं आया, असा किसी और ने गल करने तक उन्होंने साडा जवाब आना वे कि नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तुसना? ठीक हो? मैं ठीक हां बिल्कुल। तुसी सुनाओ ठीक हो? तुसी ठीक? अल्लाह ना शुक्र है। सानू तक कि तुसन लगया नहीं कि पंजाबी आनी तो सानू तो माशाल्लाह। किधर रहना लियो? असी इथे ते रहन वाले। इथे ते किधर ते रहन वाले? किसने आप तो माशाल्लाह बहुत सबसे पहले मुझे प्यारी लगी है। इतनी आपकी चेन्स प्यारी लग रही है, रिंग्स मैंने इतनी जल्दी आपको देख लिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा तो तुसानू क्या लगना है कि शॉपिंग ईद रमजान ने शुरू ही कर लेनी चाहिए कि थोड़ा बाद तक करनी चाहिए? नहीं शुरू च कर लेनी चाहिए। शुरू च क्यों करनी चाहिए? शुरू च इस वास्ते कि फिर वो बंदा शुरू करे तो तक तक सारी चीजें मिल जाती है ना। फिर मतलब कि जल्दी जल्दी मिल जानी है। हां सारी चीजें हो सकता है बाद फिर कोई चीज ना मिले फिर रह जाए फिर न्यू अराइवल्स बंदा देख लेना। हां जी। तो ईद ने अक्सर लोग कहने के ईद तो थोड़े दिन पहले करिए कि मतलब कि चीज सानू जल्दी मिल जाए या कुछ जाए टाइम पे मिल जाए फिर आराम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਨੀ ਲਗਵਾਓ ਔਰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਸ। ਤੇ ਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਸ ਸਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਦ ਨੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਵਨ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਈਦ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ ਫਲ ਵੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਛ ਤੇ ਸੀ ਸੋਚੋ। मतलब कि एक एक चीज है उसने गुलाब जामुन। ओह माय गॉड वाह तेरे तुसा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो बच्चियां तुसा शॉपिंग बच्चियां ने तो मतलब के कुछ कपड़े लेना चाहने हो? बच्चियां दे कपड़े बस कोई एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे कोई ट्राउजर्स वो लेना चाह रहे हैं। तो सानू क्या लगना है कि शॉपिंग करने का कितना कुछ टाइम चाहिए? मतलब घंटा तो किधर नहीं गया। घंटा तो लगेगा ही कम से कम। कम से कम 2 घंटे चार्ज चलेगी। दिन ही ला
लग जावे अफतारी तक चलेगी तुसा के कहने अफतारी तो पहले आना चाहिए या अफतारी तो बाद आना चाहिए अफतारी तो पहले अफतारी तो पहले रोजा रख के कुछ लोग थके होने नहीं 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 सारी थकावट भूल जांदी है आराम से रोजा गुजर जांदा मतलब रोजे अच्छा इस तरह होना कि टाइम गुजारने वास्ते कुछ लोग बाहर निकलन जा रहे हैं और कहने चलो जी सारा टाइम गुजर गया ना बिल्कुल अच्छा टाइम गुजर जांदा है लेकिन कुछ लोग कहने कि नहीं घर ही रहिए इस तरह ना बाहर तो साथ इतने फ्रेश लग रहे हो जबरदस्त तो मार सारे रोजे माशाल्लाह चल रहे हैं अच्छा कुछ पैगाम देना चाहते हो किसी को बस मैं ही कहना चाहवाँगी कि जो हमारे मुल्क के जो हालात ने मतलब बड़ा मुश्किल हो गया गरीब लोगों वास्ते मैनेज करना खान पीन दियाँ बेसिक चीज़ा तो मैं यही कहना चाहवाँगी कि जिन्ना हो सकता है जिन्ना ज़्यादा हो सकता है तुसी दवो जो गुंजाइश तो ज़्यादा जो भी थोड़े को सारा लोगों च बांट दो डिजर्विंग लोग अच्छा। ज़कात अपने जरूर देने इस मुकदस महीने अच्छा। जिन्नी आस पास लोग अपने सबसे करीबी फैमिली में या जो भी लोग हैं उन सबको जो है ना आप अपनी खुशियों में शामिल करें अपने साथ फैमिली नू बच्चियां नू बस बहुत अच्छी ईद गुजरे और बहुत अच्छे तरीके नाल और बहुत खुशियां दे नाल अच्छा मैं तुसाना सॉरी नाम नहीं पूछे नाम के तुसाना इस्मत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगे गल करके थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया थैंक यू इन्हें मैंने सा गल की तो इन्हें सानू पहले जवाब दे दिता कि गुलाब जामुन वाह और प्यारी भी है कितनी थी ना अच्छा चलो ऐसा चलने अजय छोटी जी एक ब्रेक थे ब्रेक तो बाद वापस आने क्योंकि रमजान भी ना और मैंने रोजा भी लगा है भी दसवां रोजा वे माशाल्लाह पहला अशराज कंप्लीट हो गया सी आने ऐसे छोटी जी ब्रेक तो बाद वापस आ जाओ मेरे नाल थोड़ा रेस्ट भी करिए तो ऐसा आ गया ब्रेक तो बाद वापस ब्रेक तो मैं गल सोच रही सी कि मैं सारे को नाच सुननी है तो मैं भी क्यों ना तो सू एक नाच सुना देवा चलो मैं तो सू एक नाच सुनानी हाँ सबादर मुस्तफात जाके कवि दरूदो सलाम मेरा नबी दे कदमा च सर झुका के कवि दरूदो सलाम मेरा हवाए इतना सलाम मेरा कदीजे होवे गुजर जे तेरा तू रोज देगी दिला के फेरा कवि दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है तुसा ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है किधर ने रहने वाले हो रहने वाले जेहलम डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर आता है लेकिन अभी हम इस्लामाबाद में रिहायश पजीर इस्लामाबाद तो क्या करने से आए हो इस्लामाबाद में मैं जॉब करता हूँ और फैमिली भी यहाँ रहती है पिछले 15 साल से इधर ही है अच्छा तो तुम जेहलम से ही लगना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का हर खत्ता बहुत खूबसूरत है जिसने मैं सवाल पूछनी है अल्लाह तक पाकिस्तान का हर खत्ता बड़ा मशहूर है तो मतलब की अच्छा है तो सू पिंडी कैसा लगा पिंडी इस्लामाबाद जो है वो भी पाकिस्तान का दिल है कैपिटल है और यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और एंजॉय करते हैं बहुत खूबसूरत अच्छा लगना है इधर मतलब के साफ सुथरा सारा कुछ साफ सुथरा है ग्रीनरी है खूबसूरती है फैसिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे इसलिए सारे लोग यहाँ शॉपिंग पटवारी यानी पंजाबी जी जी पंजाबी बिल्कुल आती है मुझे आपकी बात सुन के मुझे एक चीज याद आ रही है मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी आवाज़ है वो मऊ ने बच्चों कैफे करने कुछ ऐसा डायलॉग है शायद इनका अच्छा कुछ ऐसा डायलॉग है एक लड़की का बिल्कुल ऐसा डायलॉग है और ये बहुत ज्यादा टिकटॉक पे तो वायरल है हर दूसरा तीसरा बंदा ये बोल रहा होता है ने बच्चों के भी करने हो पंजाबी तो विच गल करी करो करो तुसा जिस मर्जी ते गल करो शॉपिंग तुसा कर लेती जी जी शॉपिंग असी कर लेती है और शॉपिंग जेड़ी है पिंडी भी कीती है और इस्लामाबाद आ गए हैं पिंडी दे विच असी 6 रोड दे उते राबी सेंटर ने दी बड़ी ख्वाहिश है कि ओथे करिए ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹైదరాబాద్ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹైదరాబాద్ ਤੋਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੇਲਮ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਫਾਸਲਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਨ
जी जी रिलेटिव है बिल्कुल। तो सा शॉपिंग ने करा दी। जी जी शॉपिंग करवा दी है, ईद की सारी शॉपिंग हो गई है, इनकी भी हो गई है, बच्चों की भी बच्चियां भी हो गई। कितना टाइम कुछ लगा था सा शॉपिंग करने? हम सुबह 1 बजे निकले हैं दिन के वक्त और अभी देख रहे हैं कि मतलब बहुत देर है, बहुत नखरे कर रहे हैं। नहीं नहीं कोई नखरे नहीं, इतने घंटे तो सानू कल लगे। खवातीन जो है ना वो ज्यादा चीजें देखती हैं, उन्हें पसंद करती हैं और चूज करती हैं, फिर चूज करनी है शॉपिंग। अच्छा तो आपको एक सवाल पूछा। जी जी पूछो। और केड़ी वाली चीज है जेडी फूल भी है और फल भी है? बड़ा मुश्किल सवाल तुसी कीता है। नहीं मुश्किल तो नहीं, इतना आसान है। फल जितने भी हैं वो फूल से ही निकलते हैं। नहीं 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 एक वर्ड है, ठीक है दो वर्ड है। अच्छा ये बच्चा कुछ बताना चाहता जी, कह रहा है गुलाब। गुलाब आगे पूरा पूरा नाम है गुलाब। गुलाब गुलाब नहीं, गुलाब तो सिर्फ फूल है। बिल्कुल सही, फल भी है। हर फल जो है एक फूल से निकलता है। मेरी गलत से ध्यान ना सुनो, दो दो लफ्ज हैं उन्हें ना एक एक चीज बननी है, ठीक है? और फूल भी और फल भी है। दो लफ्ज हैं और हाँ एक चीज बनती है, फूल भी है और फल भी। हाँ जी सोचो समझो, कुछ मिठाई भी हो सकनी है। ये कह रही है गुलाब जामुन। हाँ जी तालियां जी, बहुत सारी। ये कह रही है गुलाब जामुन है तो तू सके कह रहे हो? मैं भी यही कह रहा हूँ, इसने कह दिया तो दूसरी तो कोई बात ही नहीं है, मैं कुछ और कहूँ। गुलाब और जामुन, गुलाब जामुन फूल भी है फल भी है, कोई पैगाम देना चाहिए तो किसी ने? पैगाम यही देना चाहते हैं कि रमजान शरीफ का महीना है और बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला की बहुत सारी रहमतें और नवाजशें उतरती हैं। हर फर्द जो है पाकिस्तान का, उसे ये चाहिए कि वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, इसके तमाम तर मामलात की बेहतरी के लिए दुआ ज़रूर करें और अपने वतन के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। आप अपना एक चिराग रोशन करेंगे तो यकीन करें कि पूरे मुल्क के अंदर और पूरी कायनात में रोशनी हो जाएगी। अपने हिस्से का दिया ज़रूर रोशन करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अच्छा लगा करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इन्होंने कोलो सा सवाल पूछा सी इन्हें कि ये कह रही है कि गुलाब जामुन, मतलब कि देखे इन्होंने बीवी बेगम माशाल्लाह इंटेलिजेंट जिन्हें सानू जवाब भी दे दिता। तो ऐसा तक नहीं है और कोई है सा सवाल का जवाब देने वाला कि नहीं। हाँ जी तो यह साढ़े नाल हैं, तो इन्हों सिंधी आनी है, मैं इन्होंने दोबारा वापस बुलाया। मैं क्यों ना असर सिंधी ची, सिंधी जबान साड़ी इतनी मिठी जबान है, सराइकी जबान होनी है सिंधी, सिंधी 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 थोड़ी जी डिफरेंट है। असा इन्होंने सिंधी तो गल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तुसा ना? तुसा मैनु सिंधी ते जवाब देना। आऊं बिल्कुल ठीक है रियत सा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ते तुसा सिंधी तो आयो जी? इतनी दूर तुसा शादी कीती? नसीब नसीब। अच्छा तुसा नु इधर भी कैसा लग रहा है? तुसा सिंधी, तुसा सिंधी ते जवाब दो ना, तुसा नु इधर कैसा लग रहा है? डाडो सुठो लगे तो, इलाही सुठो लगे तो। इस्लामाबाद ते कैपिटल है पर पाकिस्तान जो हर खितो खूबसूरत है। अच्छा मतलब के इसका क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ कि इस्लामाबाद तो कैपिटल है, यही खूबसूरत है हमारा इस्लामाबाद, लेकिन पाकिस्तान का हर खित्ता खूबसूरत है। तो अच्छा तो सर अपनी ऑडियंस तो इस चैनल के कहना चाहती हूँ, मैं तो सामने प्यार करनी हूँ सिंधी, तो कोई पैगाम तो देना चाहती हूँ सारे। सिंध में मैं पहले एक शेर सुनाऊंगी सिंधी में। हाँ जी सुनाओ। मानू सब ने सुनना पखी सब न हंज, पर कहें के मानू मंज अचे बुई बहार जी। अब इसका मतलब है कि सारे जितने भी लोग हैं हसीन होते हैं, कोई ना कोई उनमें खासियत होती है। अच्छा। ठीक है ना, और जितने भी परिंदे हैं जो भी अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है उनमें भी कोई ना कोई खूबसूरती का राज शामिल होता है। सही जबरदस्त। ये शाह लतीफ भिटाई का शेर है। अच्छा। ये एक पैगाम भी था, वैसे आप लोगों को सिंधी नहीं समझ आ रही लेकिन जो जो सुनेंगे उन्हें समझ जरूर आएगी। सिंधी का कोई पैगाम चालू सारे देना चाहो, शेर सुना देता। मां पैगाम यो ही दीन दस्त है, अजकल जेके पाकिस्तान जा हालात हैं, असा चाहूं था हालात सही कोन हैं, पर इन हालात के पैदा करण वारा असी पाण मानू आयो। असा सबई मानू जेके पाकिस्तानी आयो थोड़ो थोड़ो कंट्रीब्यूट करियो के खुश रखण में, के तकलीफ न देण में, ता के तकलीफ न दियो, थोड़ी नंडड़ी के नेकी करयो का खुशी दियो, के सब का वधिक गाल है, असा जो मुल्क जरूर खुशहाल रहंदो। ये थैंक यू। अच्छा इस तरह उर्दू में तो सासान दस दो मुझे तो कुछ नहीं समझ आ। अच्छा मैं कह रही हूँ कि क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं बहुत लोग खौफजदा हैं कि क्या होगा आगे, लेकिन छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, छोटी छोटी सी नेकियाँ करें,
ये भी बहुत अच्छा काम है। और थोड़े थोड़े वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, हाँ जी। तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से मिलकर हमारे पाकिस्तान में खुशहाली आ सकती है, तो हम अपना अपना हिस्सा डालें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, तो इन्होंने मैं दोबारा बुलाया सी, मैं सुनिया कि इन्होंने सिंधी आनी है, सिंध तू आए, मैं क्या चलो आओ थोड़ा पैगाम सिंधी तो ये साथ सुन लगे। बड़ा अच्छा लगे, बहुत मीठी जुबान है। वैसे तो पाकिस्तान की सारी जुबान बड़ी मीठी हैं, हर जुबान ना अपना ही मतलब कि मिठास है। ऐ भी जुबान मैं सुन लेती हूँ, मैं पहली बार ही सुनी, वो भी अपने इतने नज़दीक तू। आओ चलने फिर अगे किसी और गल करने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तुसा ठीक हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। के बेकार ने हो? कुछ नहीं, बस से क्या करने है, उन अफतारी ना टाइम है, अफतारी नहीं तैयारी। अफतारी ने टाइम है तो अफतारी करने से मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हो कि देर देर ना कर रहे हो? नहीं, अफतारी ना सामान अन्य रोजा रखा कि दुकान नहीं रखी? सच सच माशाल्लाह सारे रोजे रखे, रोजा रखे में पूछा रोजा रखा क्या करें? नहीं नहीं, मैं कहा माशाल्लाह सारे रोजे रखे। नहीं मतलब कि मैं आगे के तुसन जवाब देवा? नहीं मतलब के सारे रोजे रखे? सारे रोजे रखे जी, हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज कितना रोजा है? दसवां रोजा है माशाल्लाह। अच्छा चलो, जिस रोजे रखे उसी पता है कि कितने रोजा है? उसे ही पता होना चाहिए। मैं भी 10 रोजे माशाल्लाह, मेरा भी आज कंप्लीट रोजे जा रहे हैं। लगना तो नहीं तुसा 10 रोजे रखे? क्यों नहीं, अल्लाह मेरी हालत तो तुसा लगना नहीं कि मैं रोजे रखे? नहीं कोई नहीं, मेरी आवाज इतनी एनर्जी डाउन 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 हो रही है, बस इतनी एनर्जी रोजा रखी थे, इतनी बोलन नहीं होना जितना तुसा बोल रहे हो। बस मैं क्या करूं, बोलना तो पैसे बोलना तो वैसे बोलना तो। अच्छा तो सने कैसा रमजान गुजरा? रमजान मजे ना गुजरना पे माशाल्लाह। वैसे आज की रमजान ठंडा ठंडा सी, तो अच्छा लग गया। ए भाई तो सने के नाल करने मतलब के ये नाल ही होने, जस्ट फ्रेंड ही है। अच्छा फ्रेंड ही है, तो सने अच्छा लगना में नाल इफ्तारी करने होए? जी ऐसा इकट्ठे ही इफ्तारी करने। अगर ठीक इफ्तारी करने, इफ्तारी तो सके कुछ खाने हो? इफ्तारी जो मेन्यूज होने के मतलब के जो भी दिल करता है वो ले आते हैं। मतलब कुछ लोग होने जिस तरह मैं हुआ ना, मैं अपनी गल दसा, मैं अफतारी तो पीनी है बस दो कुट पानी तो बस रोटी में। ओ ते तू नहीं सेहत तू लगना तो दो कुट पानी पी सकने और इस तू ज्यादा ना खाई सकने। मतलब तो मेरी सेहत तू क्या लगना है कि मैं दो कुट सिर्फ पानी पी सकनी हां? नहीं दो कुट पानी नहीं, मैं उसी कहने वो भी रोटी पूरी खानी है। मनु रमजान थे ना, कुछ लोगों ने काफी लोगों ने पकौड़े शकौड़े आए और चीजा माशाल्लाह, मैं तारी तो पूरी रोटी खानी है। पूरी रोटी तो थोड़ी जी कट समझी लो, अद्धी एक रोटी लेकिन मैं पकौड़े शकौड़े नहीं खानी है, क्योंकि पकौड़े खान नाल ना मन लगना कि फिर सैरी नहीं होनी, मैदा शैदा खराब हो जाने। लेकिन बाकी लोग इतने बाकी लोग जिन्हें रोटी भी बहुत होती है, हाँ रोटी अगर तुम पूरी रोटी खा सो उस तो बाद उसी तो सना के मतलब तुम सैरी तो भी रोटी खा ले सो। बाकी लोग जो मैंने अफतारी तो इतना कुछ खाने पकौड़े रोल समोसे ये वो इस तरह उस तरह। अच्छा तुम अगर सैरी तो खाने हो? सैरी तो दही जरूर, तुम किस वजह तो खाने हो? मैदा ठीक रहना वे और अफतारी तो मतलब प्यास नहीं लगती अफतारी तक? तुम सिर्फ सैरी तो दही खाने हो? सिर्फ कला दही? रोटी नहीं खाने? लस्सी? मतलब की रोटी तो कुछ भी नहीं खाने? सारी थे हल्के फुल्के खाने वो सालन नाल चाय वगैरह? चाय नहीं पीने? नहीं। अच्छा तुसा को एक सवाल पूछा? पूछो। ओ केड़ी वाली चीज है जेड़ी फूल भी और फल भी है? गुलाब जामुन। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, थोड़ी जल्दी तुसा जवाब देता है। गुलाब जामुन तुसा इधर उधर सुन लेता हो? सी रोजा ज्यादा लगा ना इस टाइम, दिमाग चल जाए रोजा बहुत लगना। ठीक है, तो सामने गल करके सानू बड़ा अच्छा लगा, सिर्फ रोजे नहीं गल की थी कि लगना कि नहीं लगना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ऐसे साडा अज दा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ते असा पुछिया सी एक सवाल, सवाल ऐसी ओ केड़ी वाली चीज है जेड़ी फूल भी है फल भी है? तुसा भी दसो, तो सानू अजे तक तो पता लग गया सी ओ चीज है गुलाब जामुन। मैं इतने लोगों को हिंट दिता, मिठाई भी हो सकनी है, दो वर्ड हैं इस तरह उस तरह सोचने वाली गल है। तुसा थोड़ा जा जहन तो जवाब मतलब कि जवाब असर जोर देवो ना, तो जवाब कोई मुश्किल नहीं होना। गुलाब जामुन सी इस ना सवाल ना जवाब, असा अपने प्रोग्राम नाल एक और प्रोग्राम नाल आसा इंशाल्लाह। वैसे बाकी कुछ लोगों इस ना जवाब भी दिता और कुछ लोगों नहीं भी जवाब दिता, कुछ लोगों अगो पिछे तो सुनिया और नात भी मैं खुद अज मैं खुद नात सुनाई सी, अज किसी नात नहीं सुनाई। अज का प्रोग्राम तो सू कैसा लगे, तो उम्मीद करनी है सू बहुत अच्छा लगे। उसी असा एक और नवे प्रोग्राम नाल आसा, अपनी होस्ट प्यारी मरियम ने दवो इजाजत, रब सुनने वाली।